वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो गाइस। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ मेरी सीकैट की स्ट्रैटेजी। दोस्तों अगर आप भी सीकैट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आप ही के लिए है। दोस्तों मैंने इस बार सीकैट की जो एग्ज़ाम हुई है उसके अंदर मेरे को 825 रैंक मिला है। इस वीडियो के अंदर मैं अपनी पूरी कम्प्लीट स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूँ। मैंने कैसे सेक्शन ए एंड बी की प्रिपरेशन करी थी, कितना मैंने उसको टाइम अलॉट किया था, और मेरी जो 40 डेज की स्ट्रैटेजी थी वो पूरी की पूरी मैं आपके साथ में शेयर करूँगा, सो दैट आप भी अंडर 1000 रैंक ला सको। दोस्तों ये वीडियो बड़ा ही यूज़फुल होने वाला है अगर आप भी सीकैट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। दोस्तों वीडियो का एक भी पार्ट मिस मत करना, अंत तक के पूरा वीडियो देखना। तो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ इसके अंदर हाउ टू गेट अ डिसेंट रैंक इन सीकैट। सबसे पहले तो मेरा सेक्शन ए प्लस बी के अंदर 825 रैंक आया हुआ है। सेक्शन ए के अंदर 506 मेरा रैंक है एंड मेरे को ISESD का डैक कोर्स मिला हुआ है जो आकोडी के अंदर है पुणे में, वो मेरे को मिला है। थोड़ा सा अपने बारे में मैं बता दूँ आपको, माय बैकग्राउंड इज़ मैकेनिकल ग्रेजुएट इसी ईयर का 2022 एंड मेरी इस वीडियो के अंदर ये वीडियो दो पार्ट में होने वाला है। मैं सबसे पहले मेरी 40 डे की स्ट्रैटेजी शेयर करूँगा आपके साथ में, उसके बाद में मैं मेरा प्रीकैट का रिव्यू दूंगा, प्रीकैट का मेरा एक्सपीरियंस दूंगा और बताऊंगा कि ये सचमुच वर्थ इट है या नहीं है करना इतना एक महीने का जो कोर्स होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों सेक्शन ए जो है ना वो गेम चेंजर है, इट्स अ गेम चेंजर। जब आप इसके अंदर आओगे ना आपको पता चल जाएगा कि सेक्शन ए की वजह से आपके रैंक में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। सो कमिंग टू द एप्टीट्यूड पार्ट, सेक्शन ए के अंदर एप्टीट्यूड के अंदर दोस्तों मैंने ये प्रॉफिट एंड लॉस, एजेस, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सीआई इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, पाइप्स एंड सिस्टम, फेंस, मिक्सचर एंड एलिगेशंस, ये सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए थे। टाइम एंड वर्क, ट्रेंस, टाइम एंड डिस्टेंसेस, कैलेंडर, क्लॉक, नंबर्स, HCF, LCM, एवरेज स्पीड, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, इन्हीं टॉपिक्स के अंदर से दोस्तों क्वेश्चन आते हैं, इनके बाहर का एक भी क्वेश्चन नहीं था। मैंने मेरी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर एक्चुअल क्वेश्चन भी बताए थे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए थे और एक्चुअल क्वेश्चंस वो तो शेयर किए थे मैंने, तो आप वो ज़रूर देख लेना। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूंगा। बोट्स एंड स्ट्रीम्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये भी दोनों टॉपिक्स थे जो आए हुए थे। दोस्तों मैंने इसके लिए 15 डेज अलॉट किए हुए थे, 15 दिन का मैंने इसके लिए प्लान बनाया हुआ था और मैं तीन टिप्स आपको इसके अंदर देने वाला हूँ। यूज़ अ टाइमर वाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, यूज़ द टाइमर, क्योंकि स्पीड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कितना भी क्वेश्चन आता हो बट अगर आप टाइम लिमिट के अंदर उसको नहीं कर पाते तो प्रॉब्लम है दोस्तों। उसको टाइम लिमिट के अंदर ही आपको करना है और आपको टारगेट बनाना है कि कोई भी क्वेश्चन हो, कितना भी उसका डिफ़िकल्टी लेवल हो, आपको 2 मिनट के अंदर अंदर करते आना चाहिए वो क्वेश्चन। सो जब भी आप प्रैक्टिस करो तो टाइमर अपने साथ में ले लो। मैं जब भी प्रैक्टिस किया करता था तो मोबाइल के अंदर टाइमर लगा लेता था मैं और प्रैक्टिस करते टाइम ही मैं टाइमर को देखता था और जिस क्वेश्चन के ऊपर भी मेरे को ज़्यादा टाइम लग रहा है मैं उसकी 2-3 बार उसकी प्रैक्टिस करता था, 2 बार 3 बार 4 बार इतनी प्रैक्टिस करो कि वो 2 मिनट के अंदर अंदर आपको आ जाए। किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, क्वेश्चन देखते से ही आपको उसका आपको इमेजिन होना चाहिए कि इसका आंसर, इसका मतलब कि इसको कैसा सॉल्व करेंगे, इसका सोल्यूशन कैसा रहेगा। सो यूज़ द टाइमर वेल सॉल्विंग द प्रॉब्लम। दूसरी मैं टिप दूंगा दोस्तों, प्रैक्टिस एज मेनी एज यू कैन, जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप कर सकते हो प्रैक्टिस वो सारे के सारे आप इसकी प्रिपरेशन करो, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट बनोगे, ऐसा है। थर्ड टिप इज़ स्पीड, एक्यूरेसी एंड इमेजिनेशन, ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। स्पीड आपकी होना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, क्वेश्चंस जो आते हैं वो भी नहीं कर पाते दोस्तों हम लोग, इतना प्रेशर होता है। सो स्पीड आपकी डे वन से ही आपकी होना चाहिए जब से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो। स्पीड, एक्यूरेसी भी आपकी होनी चाहिए। देन इमेजिनेशन, जैसे ही आपको क्वेश्चन सामने आता है आपने ऐसा इमेजिनेशन करना चाहिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है, इसका सॉल्यूशन कैसे होंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देन दोस्तों मैं वेबसाइट्स आपको सजेस्ट करूँगा, टॉपर एंड IndiaBigs.com। टॉपर मैं हाईली रिकमेंड करूँगा क्योंकि टॉपर वेबसाइट के ऊपर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए थे। IndiaBigs के ऊपर से मेरे को क्वेश्चंस नहीं दिखे थे, टॉपर के ऊपर से ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए थे। देन सेकेंड पार्ट इज़ लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर दोस्तों मैंने ये सारे टॉपिक्स कवर किए हुए थे, कोडिंग, डिकोडिंग, रिलेशन, साइन डिकोडिंग, डायरेक्शन, रैंकिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, एनोलॉजी, सीरीज कम्प्लीशन, डेटा सफिशेंसी एंड सिलॉजिज्म।
ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं, इनके अलावा मेरे को कोई भी क्वेश्चन नहीं दिखा था इनके अलावा दूसरे टॉपिक में से। और मैंने इसको 5 दिन अलॉट किए थे, 5 दिन के अंदर दोस्तों ये हो जाएगा, इतना कुछ टफ नहीं होता ये लॉजिकल रीजनिंग, अच्छा स्कोरिंग पार्ट होता है इसके अंदर। देन आफ्टर दैट इन कमिंग टू द इंग्लिश पार्ट, इंग्लिश के अंदर दोस्तों एंटोनिम सिनोनिम प्रेपोजिशन एकदम सिंपल वाले, आर्टिकल्स, देन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के अंदर मैं एक आपको बात बताऊंगा, ट्राई टू रीड एंड सॉल्व वन पैसेज डेली फ्रॉम इंडिया बिक्स और टॉपर वेबसाइट। ट्राई टू रीड रीड फास्टर, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे 4 क्वेश्चन इसमें से आते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के। सो अगर आपकी रीडिंग स्पीड स्लो है तो आप आपके वहाँ पर 5 से 6 मिनट चले जाएंगे, तो आपको ट्राई करना है कि 3 से 4 मिनट के अंदर ही मेरे सारे के मेरा पैसेज पढ़ के हो जाए और मेरे क्वेश्चंस सिर्फ 1 या 2 मिनट के अंदर उसका वो सॉल्व कर ले आप, आपकी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। सो ट्राई टू रीड एंड सॉल्व वन पैसेज डेली फ्रॉम इंडिया बिक्स और टॉपर वेबसाइट। देन ईडीएम एंड फ्रेसेस मैंने किए थे, देन ऑड वन आउट, ये सारे के सारे टॉपिक्स थे और इसको मैंने 5 दिन अलॉट किए हुए थे। दोस्तों ये जो एंटोनिम सिनोनिम, ये जो इंग्लिश का पार्ट है ना, ये काफ़ी सिंपल होता है। अगर आपकी स्कूल लेवल से इंग्लिश ठीक ठाक है तो आप ये ईजिली कर लोगे, आपको कोई मुश्किल नहीं जाने वाली है इसके अंदर। सो सेक्शन ए तो यहाँ पर हो गया, नाउ कमिंग टू द सेक्शन बी पार्ट, सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग के लिए आपको सिलेबस रेफ़र करना है, सिलेबस के अंदर जो कुछ भी दिया हुआ है वो सारा का सारा करो। उसके लिए मैंने टाइम अलॉट किया था 10 दिन, 10 डेज मैंने अलॉट किए हुए थे। देन सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस डेटा स्ट्रक्चर, देन OS एंड कंप्यूटर फंडामेंटल्स, इन सारे सब्जेक्ट्स के लिए मैंने 5 5 दिन अलॉट किए थे, 5 डेज फॉर ईच सब्जेक्ट। DS के अंदर मेरी एक टिप होंगी कि फोकस ऑन द स्मॉल कोड स्निपेट्स ऑफ ग्राफ एंड ट्रीज, क्योंकि हम लोगों ने ये इग्नोर किए हुए थे ग्राफ एंड ट्रीज के, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पूछे थे उन्होंने, 3 से 4 क्वेश्चंस थे इसके ऊपर ग्राफ एंड ट्रीज के ऊपर से, मतलब कि छोटे छोटे जो कोड स्निपेट्स होते हैं ना सिंपल वाले। सो आपको आप ये करना ज़रूर, और इसका जो प्रिपरेशन है आपको इसके लिए सिलेबस रेफ़र करना होगा कि ऐसे सी प्लस प्लस के लिए, डेटा स्ट्रक्चर के लिए, OS के लिए और कंप्यूटर फंडामेंटल्स के लिए। देन दोस्तों मैंने जो मेरा प्री कैट किया था मैं उसका आपको रिव्यू दे दूँ। दोस्तों मैं सजेस्ट करूँगा कि आप प्री कैट ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ से आपको समझ में आएगा कि सिलेबस क्या होता है। क्योंकि जो नॉन आईटी वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे मैकेनिकल सिविल वाले, उनको नहीं पता होता है कि सेक्शन बी का, सेक्शन बी में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कौन सी बुक्स में से पढ़ना है। सो अगर आप प्री कैट ज्वाइन कर लोगे तो आपको एक आइडिया आ जाएगा और आपका काफ़ी सारा टाइम बच जाएगा। सो आई विल हाईली सजेस्ट यू टू ज्वाइन द प्री कैट कोर्स। सो दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपके कोई भी डाउट है, कोई भी अगर आपको क्वेरीज है, आप यूट्यूब में मेरे को कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम के ऊपर मेरे को मैसेज कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।